ठीक है ना, महान है, लेकिन श्लोक के हैं जो भी कलयुग से गुजर रहा है, 60% लोग भारत में अभी भी ऐसे होंगे जो अपनी जुबान की लाज रखते होंगे। भगवान ने हमें जुबान दी है, वचन दिया है, डंके की चोट पर दिया है, कान में नहीं दिया, पर्सनली किसी के कान में नहीं बोला है। वो जो भी कहता है डंके की चोट पर कहता है, और बोलता है ढोल बजा बजा के बताओ सबको, अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। अब उसने क्या वचन दिया, जब कोई मुश्किल आन पड़े, जब ऐसा लगे कि मेरी सामर्थ्य फेल हो रही है, मेरी शक्ति जवाब दे रही है, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात में हम भगवान को परेशान करें। बच्चा 5 साल का है, कॉकरोच से डरता है तो बनता है, चलता है, लेकिन बच्चा यदि 25 साल का होकर के कॉकरोच से डर के मां की गोद में घुसे करके, तो मां को भी लज्जा आएगी, आएगी कि नहीं। अब छोटी छोटी सी बातों को लेके हम भगवान को परेशान करें, भगवान के बच्चे कुछ तो ताकतवर होंगे, छोटी छोटी समस्याओं को तो निपटारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि कुछ बात ऐसी आन पड़े, जब मेरी सामर्थ्य जवाब दे जाए, जब शक्तियां फेल हो जाए, तब तू चिंता मत करना, बाजू में देखना मैं बैठा हूं। उस समय दिल से कह देना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। फिर बाबा ने बोला, देखिए उसका वादा क्या है, मेरे बच्चे बुलाए और मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता। बाबा बधा है अपने बच्चों की मदद करने के लिए, 100% अपना वचन निभाएगा, 100% बोल सकते निभाएगा। परंतु दो कंडीशन रखती है प्रॉमिस में, जो इन दो कंडीशन को फॉलो करेगा वो भगवान की मदद के चमत्कार देखेगा जीवन में, चमत्कार जिसे कहते हैं भगवान के चमत्कार। लेकिन दो कंडीशन क्या है, मैं प्रॉमिस तो कर रही हूं लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, मेरी कुछ शर्त है। देखो भाई, मैं वादा तो निभाऊंगी लेकिन इस शर्त है। अब भगवान जी ने वचन तो दिया, वादा तो किया, परंतु दो शर्त, दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या रखी बाबा ने, जब बाबा को बोलो तो कहां से बोलो, दिल से। ये पहली कंडीशन है भगवान की, दिल से जुड़िए उससे। जो मैंने अभी बताया ना कि हम केवल उसे दिमाग से यूज करते हैं, और भावना प्रेम केवल दिल में पैदा होती है, दिमाग में केवल स्वार्थ पैदा होता है, इसलिए स्वार्थ ही नहीं। काम पड़ा तो भगवान याद आया, और काम निकल गए तो हम तुम्हें जानते नहीं। जब भी याद किया तो मतलब से किया, जब भी प्रसाद चढ़ाया तो मतलब से, जब भी मंदिर गए तो मतलब से। अब कोई मुझे दिन में 10 बार मतलब से बोले, मतलब से याद करे, मतलब से प्यार करे, कितना यूज होंगे हम, आखिर तो एक दिन समझ में आ जाएगा ना, बड़ा सेल्फिश है, मतलब ही है ये बंदा, भगवान को ही समझ में आता होगा। दिमाग से इन्फॉर्मेशन लेना ठीक है कि वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परम धाम का वासी, मेरा पिता युग बदलने आया है, सर्वशक्तिमान है, हम उनकी संतान है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, दिमाग से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, परंतु रिलेशन केवल दिल से। हम रिलेशन दिमाग से नहीं बना सकते, और यदि हम दिमाग से रिलेशन बनाना भी चाहेंगे तो वो लंबा समय नहीं चलेंगे। दिल से रिलेशन लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो भगवान की पहली कंडीशन है, दिल से जुड़ो, सच्चे दिल पर सारा
और अगर साहिल राजी हो जाए तो फिर वो कहावत है कि जब वो देता है तो छप्पन पार भी देता है। अब राजी करना वो मेरे हाथ में है, टेक्निक बता दी है, सच्चा उसके मामले में दिमाग को यूज नहीं करना। बड़ी हैरानी की बात है, जन्म जन्म जिसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर जिसके मंदिर में जाकर मैंने कहा भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे दो, थोड़ा सद्विवेक दे दो, थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि, थोड़ा थोड़ा सद्विवेक उससे लेकर के आज उसे भी बुद्धू बनाने चले हम। बड़ी भारी विडंबना है, इसलिए ना तो भक्ति में शक्ति और योग में मन नहीं लगता। दिल का रिश्ता नहीं है, दिल की खींच नहीं है, जो दिल से दिल तक मिले जाके वहां अभी तक नहीं पहुंचे। तो एक तो दिल से कहना और दूसरा क्या कहना, दिल से क्या कहना, बनाया मेरा, ये मेरा शब्द क्यों बोला, अंडरलाइन, दिल से कहना मेरा, अंडरलाइन किया बाबा ने इसको मेरा। आपको पता है इमीडिएटली जो मदद मिलती है ना वो मेरो को मिलती है, परायों को नहीं। अभी बच्चा घर में सो रहा है, आप नेक्स्ट रूम में सो रहे हो और आपको बच्चा रोने लगे, चिल्लाने लगे, आपको पुकारने लगे, डर जाए, भयंकर सर्दी, हीटर लगाया है, रजाई ओढ़े सो रहे हैं, लेकिन बच्चे की पुकार सुनी, रोना सुना, तो क्या करेंगे आप, एक तरफ रजाई फेंकेंगे और जितनी तेज कदमों से दौड़ सकते हो उतनी तेज कदमों से दौड़ कर देखेंगे मेरे बच्चे को, राइट राइट। और यदि पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो रजाई तान के मदद किसको मिली, मेरे को या पढ़ाई को। इसीलिए बाबा ने कहा मीरापन बढ़ाओ मुझसे, मेरे को इमीजिएटली तत्काल मदद मिलती है। मीरापन रखो, मीरापन बढ़ाते चलो। केवल एक ब्राह्मण परिवार में रीति रसम है, रिवाज है मेरा कहने का, मेरा बाबा ये भी कहती वो भी कहती सब कहते, से मैंने रिया शुरू कर दिया, वो मेरा नहीं, मुख से मेरा कहने तक नहीं बल्कि दिल से वो मेरा हो। क्या मैंने बाबा को मेरा बनाया है, क्या वो मेरों की लिस्ट में शामिल हुआ या नहीं, क्या कहते हो, हाँ या ना, मुख से या दिल से, सच्ची ईमानदारी से देख लो, हाथ रखो जमीन में दिल पे, जरा एक बार आप बंद कर लीजिए कोई देखे लिए। बहुत ही ईमानदारी से अपने आप से पूछेंगे, जो मेरा मेरों के साथ प्रेम है, रिश्ता है, फर्ज है, क्या वही प्रेम फर्ज रिश्ता ऊपर वाले के साथ भी है। जवाब सुना अंदर से, बहुत ईमानदारी से सुना, और क्या आवाज आए वो मुझे बताएं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुन लिया आज, कुछ गड़बड़ है या सब ठीक ठाक है जी, कहीं तो कुछ है थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत है कि नहीं माता जी। तो इसे क्या करना है, मेरे में एक माता जी कह रही थी, नहीं बाबा तो मेरा है, नहीं मेरा है, सच में मेरा है। मैंने कहा माता जी कब से ज्ञान में, कहती 15 साल से। अच्छा कौन कौन आते हैं घर से ज्ञान में है, हाँ मेरा पति भी आता है, बहू भी आता है, बेटा भी आता है। अच्छा फैमिली में कौन कौन है, तो सब गिना दिए, धोते पोते लड़की को, सब बेटे, एक को छोड़ के सब मिले, एक को छोड़ के, अब वो एक कौन नहीं था उसकी लिस्ट में, दिल की बात छुपा कर बाकी सब है, मेरा बाबा नहीं है बस, नहीं नहीं मेरे घर में तो फोटो है, क्या कूटी पे लटकाने के लिए, स्थान तो दिया पर कूटी तक है या दिल तक है ये मुझे देखना।
उसका जो उसका है उसका बताने में संकोच कैसा है। मैं भी उसकी, मेरा परिवार भी उसका। मेरा कौन है? बाबा। आज से मेरे घर का हेड कौन होगा और सारी हैडर किसकी होगी? क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वही हैडर लेता है, सर कोई लेता है। जो छोटे होते हैं ना बच्चे होते हैं वो तो मस्त मोला घूमते हैं खेलते हैं। इसीलिए बच्चे बने रहो तो बच्चे रहोगे। हेड उसी को बनने दो, सिर दर्दी बना दो से अपने घर का है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो उसको। हम निमित्त मात्र हैं बस। हेड बन जाओ ये नहीं, हेड उसे बना दो, ठीक है ना? तो हमारे घर का हेड बाबा।